आप सभी के पास यदि टेम्पलेट कॉम्पलेट जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल हुआ होगा, वहां पर बाइबल का वर्स बेतसदा प्रेयर ग्रुप की ओर से हम सभी के लिए दिया गया है, जो खुदा का पाक कलाम इस प्रकार कहता है, योएल उसका दूसरा अध्याय वर्स 28, योएल उसका दूसरा अध्याय उसका 28वां वचन। यदि आप किसी को मिल गया है तो अपने स्थान में पढ़ दीजिएगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना हाथ मोड़ ले लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुत्र स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आइए चर्च मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर, हम शरीर में प्राण में आत्मा में आपके सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए हृदय को तैयार करते हैं। हे परमेश्वर, आपका सामर्थ्य वचन हमने से हर एक लोगों को बात करने पाए, अपने जीवन के अंदर नए परिवर्तन को देखने पाओ। यीशु मसीह के नाम में मानते हैं पिता, आमीन। आप सभी बैठ जाइए। देखो YouTube के अंदर में बाइबल के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे और बहुत सारा जब आप अगर रिलीजियस जो क्रिश्चियन रिलीजियस की किताब को आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारा विशिष्टता है, बहुत सारे भविष्यवक्ता है, बहुत सारे चले और इतने समय से अगर कोई एक चीज बना हुआ है खुदा का सुसमाचार सुने हैं जिंदा परमेश्वर को। बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, जो अच्छी बातें उसे पकड़ लो और बुरी बातों को छोड़ दो। आपके पास में 10 प्रकार का कपड़ा है, अलग अलग शॉप से अलग अलग दुकान से आपने खरीद के लाया होगा, रोज एक ही कपड़ा को कोई नहीं पहनता है, पहनता है क्या? और कोई भी कपड़ा, एक कपड़ा जीवन में कभी किसी का फेवरेट नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जगदलपुर शहर के अंदर में, आपके नगर के अंदर में, आपके कॉलोनी के अंदर में, आपके घर के अंदर में कई प्रकार के अभिषिक्त आएंगे मेरे प्रियो, लेकिन किसी भी अभिषिक्त के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना। केवल विश्वास करना है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर और बाइबिल के पवित्र वचन पर विश्वास करना। आज बहुत सारे अभिषिक्त लोग हैं, उनमें से मैं भी हो सकता हूँ, जो आपके सामने में बड़ा बड़ा चीज और चमत्कार को दिखा दूं और बड़े मिरेकल को बता दूं, किसी का नाम लेके बता दूं, पर सच बात तो है कि पर्दे के पीछे कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है वो कोई नहीं जानता है। आजकल यूट्यूब के अंदर में जब आप जाएंगे वहां पर देखेंगे कई सारे ऐसे मैजिशियन लोग ट्रिक के साथ में बहुत सारी बातों को बताते हैं, इसलिए इधर उधर का बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। 66 पुस्तक बाइबल में जो लिखा हुआ है, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और उत्पत्ति से लेकर के मराठी तक, ये परमेश्वर के पवित्र वचन पर ही हमको विश्वास करना है। ठीक है, आज का वचन हमने क्या पढ़ा, इसे बात करेंगे हैं। मैं बहुत बड़ा पास्टर नहीं हूं यार, छोटा सा हूं, हाइट भी थोड़ा कम है थोड़ा, और मैं दो चार लोग को बोला हूँ रात रात को मेरे को पांव पच्छी पकड़ के खींचना, मैं थोड़ा बड़ा पास्टर बनना चाहता हूं। क्या वचन हमने पढ़ा, अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों के ऊपर में दे लूंगा। बट क्या आपको लगता है कि अंत का समय है? किसी ने मुझे बोला, मैं एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को मैं मेरे पास में आए हुए थे, मैंने बोला दादा अंत के समय में आप अपने आप को तैयार करना है, बोला संडे स्कूल से सुन रहा हूँ, बात पक गया, पूरा दांत झड़ गया, दो ही ठो बचा है, अभी तक अंत नहीं हुआ, फिर कब होगा बोलता है। मेरे प्रभु बाइबल का परमेश्वर कहता है अंत के दिन में मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर दे लूंगा। अंत का दिन तेरे पाप का अंत के बाद ही परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उंडेला जाएगा। डे को काउंटिंग मत कर, क्या वो नहीं करना, दिन को काउंटिंग मत करना। दिन को काउंटिंग करोगे, ये दिन, ये चक्र जो है अकॉर्डिंग टू द साइंस विज्ञान के अनुसार 365 दिन है, मनुष्य ने इसको निर्धारित किया है, परमेश्वर ने कभी भी नहीं बोला कि 365 दिन में एक दिन होगा। हालेलुया, कितने लोगों तक मेरा आवाज आ रहा है, हम लोग जिंदा है तो थोड़ा हाथ उठा के दिखाते हैं। अच्छा कांग्रेस वाला मत उठाओ, इलेक्शन खत्म हो गया, चलो पूरा उठाओ, ऐसे बाकी लोग बस हाथ ही नहीं, मेरे मांगते चंगाई का वरदान, प्रभु प्रभु हाथ निकाल देना है। अपने हाथों को उठा सकते, दोनों हाथों को असल जोर से बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आप पे और मुझसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा अंत के दिन के अंदर में, प्रेजेंट डे के अंदर में, परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्य को रिलीज होगा। आपने बहुत
सारे पास्टर को देखा, बहुत सारे मिरेकल करने वाले पुरातन योद्धाओं को देखा, वो लोग अपने ताकत से चमत्कार नहीं कर रहे, किससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। और जब परमेश्वर के आत्मा की जब बारी आती है कलीसिया, परमेश्वर का आत्मा पुराने दिनों के अंदर में शिमशोन के ऊपर में उतरा, दाऊद के ऊपर में उतरा, और ऐसे आप कई सारे अभिषिक्त लोगों के विषय में आप पढ़ेंगे बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर में, वहां पर परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा। और जब परमेश्वर का आत्मा खुदा के सेवकों के ऊपर में उतरा तो उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होना चालू हो गया। पर do you believe today, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो कि आपका मिरेकल आपको अनंत जीवन दे सकता है, आपका चमत्कार आपको अनंत जीवन दे सकता है? कोई इस बात पर विश्वास करता है? प्रत्येक शनिवार को हमारे यहाँ प्रेयर टावर होता है, पास्टर साहब लगभग 600-700 लोग आते हैं। मैं ना सोमवार को करता हूँ, ना इतवार को करता हूँ, बीच के दिन में मेरे को किसी ने बोला क्यों करता, मैंने बोला छुट्टी घटा इसलिए। अगर सही आकलन में जाऊं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगा सकता, कम से कम 900,000 से ज्यादा लोगों को सुसमाचार का प्रचार अब तक किया और 2-3 लाख लोगों के ऊपर में अब तक कम से कम सर में हाथ रख करके प्रार्थना किया, उसमें से मुश्किल कोई 5 लोग भी अभी तक नहीं मिला होगा। 5 लोग तो कोई बोले कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ऐसा क्यों नहीं थी? लोग बोलते हैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे माँ बाप के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे नौकरी के लिए प्रार्थना कर दो, अड़ोसी के लिए प्रार्थना कर दो, पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर दो। कोई तो बोले कि मैं अपने सोल को आज बचाना चाहता हूँ, मैं अपने प्राण को आज बचाना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पहली दफा नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले कितने ऐसे लोग आए जिनको आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को संबोधित करते हुए सुना नहीं सुना। मैं पहला पादरी हूं क्या? मैं पहला पास्टर हूं जिसको आपने सुना? के पास में जैसा परमेश्वर का आवाज आया, समझ ने बोला प्रभु मैं यहां पर हूं, बोला कि नहीं बोला? आज जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, टुडे ये जो दिन है ये बड़ा सीरियस होने का दिन है। ऐसा एक आयोजन हो रहा था और सडनली इसराइल के अंदर में हमास के द्वारा 5,000 रॉकेट दागा गया। कितना? क्या गारंटी, क्या भूकंप नहीं आएगा और हम लोग थोड़ी देर बाद ऊपर नहीं चले जाएंगे? कोई गारंटी है? है? अरे पीछे से भी बोलता थोड़ा सा है? नहीं है। तो आज हमें बात को समझना पड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ अंत के दिन में ऐसा होता, मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। और आज आप जितने लोग चीन और चमत्कार को होते हुए देख रहे हो, ये केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो रहा है। अब बात ये है, सुनो, आप लोगों को अगर भूख लगता है, रोटी खाना है, चावल खाना है, रोज केरला होटल जाते हो कि घर में पका खाते हो? आप बताइए पास्टर मैडम, कौन ऐसा बुद्धिमान आदमी है जो रोज केरला होटल खाना लेने जाता है? लेकिन जब प्रार्थना करने का टाइम आता है रोज पादरी क्यों नहीं देते? सही बोल रहा हूँ? सुंदर सुंदर असिस्टेंट पास्टर ये बता दे भाई, बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे। आप लोग बताए यहाँ पर सफेद सफेद, मैंने बड़ा स्वर्ग टाइप का लिख रहा, थोड़ी देर बाद बताता हूँ फोन क्या क्या रोज 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 खाने जाते हो, बिरयानी के घर में पका खाते हो? अरे भैया तो बाइबिल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा खाली गुरु पास्टर यादव भविष्यवक्ता प्रोफेट अपोस्टल के लिए नहीं, सबके लिए। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा बोलो सबके लिए है। तुम लोग 100 का नोट लेकर के पास्टर को खुश करने के लिए जाते हो? आप देखो मेरे पास मोटरसाइकिल था पल्सर, हमारे बड़े भाई जानते हैं, धीरे से दूसरा कार ले लिया, फिर तीसरा कार ले लिया, फिर चौथा कार ले लिया। अमीर कौन बना रहा है? मजाक करते हो, कौन बना रहा है अमीर? पादरी को अमीर कौन बना रहा है? परमेश्वर कौन बना रहे? तुम्हारा परमेश्वर इतना महान है, बता मेरे को, बुलाओ, मैं भी $1 billion मांगूंगा। पास्टर अमीर कौन बना रहा है? जय हो, तुम कैसे ही जाए हो तुम लोग भैया? तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आज पादरी को अमीर कौन बना रहा है? जोर से बोलो, कौन बना रहा है? कहाँ बना रहा है? क्योंकि तुम
तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है और जिसके अंदर है उसको तुम लोग पैसा से खरीदना चाहते हो। 100 का नोट, 500 का नोट, 1,000 दुनियादारी देख करके तुम पादरी को अमीर बनाना चाहते हो। तुमको पादरी का चिंता नहीं है लेकिन अमीर बनाना प्रॉपर तुम्हारे ध्यान में है। आज अपने चमत्कार को एक विश्वासी धन के द्वारा खरीदना चाहता है और गरीब लोग मैं कहता हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, और नारियल का तेल में आशीष को खरीदना चाहता। क्या मैं समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? और यदि कोई नारियल के तेल के अंदर में आशीष नहीं खरीद पा रहा है और पानी बोतल में खरीद के ला रहा है, क्या मैं वचन में कहीं ऐसा लिखा कि तू पानी बॉटल को लेके आएगा, तेल को लेकर के आएगा, रुमाल को लेके आएगा, कपड़ा को लेके आएगा, उसके द्वारा तेरे जीवन के अंदर में उद्धार होगा, कहीं लिखा नहीं? देखो एक तो प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, I am not a good teacher but I know my father is a well teacher, hallelujah। मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ लेकिन मैं जानता हूँ जिसने सृष्टि को बनाया उसने मुझे भी बनाया, hallelujah। तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोग चाय भी लाओ, मैं इधर से मांगूंगी फिर। सुनो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है चर्च। बाइबल का परमेश्वर कहता है जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 में, अंत के दिन में ऐसा होगा मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों के ऊपर में उंडेल लूंगा। और बाइबल का परमेश्वर कहता है परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर में आया, किसके ऊपर में? साउल के ऊपर। और जब साउल राजा के ऊपर में आया वो जितना जगह युद्ध करने के लिए गया हर जगह युद्ध को साउल राजा जीता। कैसे जीता? कैसे जीता? परमेश्वर का आत्मा आया। आज तू गरीब है कैसे हटेगा पवित्र आत्मा से? आज तेरे अंदर बीमारी है कैसे जाएगा पवित्र आत्मा से? आज तेरा चर्च ग्रुप नहीं कर रहा है कैसे करेगा पवित्र आत्मा से? आज तेरा रोग जाएगा कैसे जाएगा पवित्र आत्मा से? आज तू आगे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा पवित्र आत्मा से? लेकिन पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। कैसा मीटिंग कराते हो भैया, कैसे कैसे लोगों को बुलाए हो, बात का व्यवस्था है कि नहीं है? आगे से प्रण ले लो, पहले खाना खिलाएंगे बाद में मीटिंग कराएंगे, पहले बता रहा हूँ, समझ गए ना? बर्थडे में जैसे केक काटते हैं तुरंत पहले केक होता है बाद में खाना होता है, आप जो ऐसा करेंगे ये प्लान पूरा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा चिल्लाते रहोगे जीवन में कभी अनंत जीवन नहीं पा सकते हो। सुन लो, ये ढकोलबंदी जो हो रहा है इसको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आप क्या सोचते हो थोड़ी देर के लिए बुला करके पास्टर विजय नाथ को हीरो बना देंगे? कौन सा हीरो बनेगा यहाँ पर कौन? भैया सुन लो, अनंत जीवन के लिए हमको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, किसी पादरी का सिर में हाथ रखने से नहीं बनवा। अगर तुम ऐसा सोच करके आज यहाँ पर आए तो भैया माफ कर दो, मेरे को लात मुझे हमारे बता दो थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी पैसा हो सकता फूल माला बहुत पहनाए हो, बिना मतलब इतना पैसा खर्चा किए हो, इसको इसको मेरे को दे दो, खुद तो काम है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी वर्ड के डीपनेस के अंदर में नहीं आए हैं, मैं आप लोगों के बात बताना चाहता हूँ कलीसिया। समझो आप लोग अलग अलग चर्च या अलग अलग डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, पर कौन से डिनोमिनेशन से आया हुआ है, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बाइबिल में लिखा हुआ है अंत के दिन में मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर में उड़े लूंगा। वचन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है अंत के दिन में मैं अपना आत्मा प्रेरित के ऊपर उड़े लूंगा, भविष्यवक्ता के ऊपर उड़े लूंगा, याजक के ऊपर उड़े लूंगा, और या पास्टर के ऊपर उड़े लूंगा, सबके ऊपर में अंत के दिन में परमेश्वर का आत्मा आएगा। किसके ऊपर में? सबके ऊपर में। सब लोग बोलो किसके ऊपर में? सबके ऊपर में। अब यहाँ पर हमारे जीवन के अंदर में गरीबी है, हमारे जीवन के अंदर तंगी है, हमारे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, हमारे लाइफ के अंदर स्ट्रगल है, हमारे जीवन के अंदर चुनौतियां है, ये सारे चुनौतियों का समाधान केवल पवित्र आत्मा कर सकता है, आप और मैं नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा है, हमारे लाइफ में मेजर मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, हम पास्टर ढूंढ रहे हैं, कोई पंजाब जा रहा है, कोई उड़ीसा जा रहा है, कोई खजना जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कोई तो घुटना में जाओ भैया, है कोई तो घुटना में जाओ भैया, 100 रुपया को लेकर के, नारियल तेल को लेकर के, पानी बोतल लेकर के सब लोग जा रहे हो, इसको छोड़ करके घुटना में जाओ आज से। हालेलुया। अब मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को मैं किसको बता रहा हूँ? हमारे बड़े भाई पास्टर
आयुब चरण जी को, और पास्टर आयुब चरण जी मेरे लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, विजय मैं तेरे लिए देख रहा हूँ बेटा, ऐसा ऐसा तेरे लाइफ में हो रहा है, ये स्ट्रगल हो रहा है, ऐसे ऐसे तू निकलेगा, और परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा है, लेकिन क्या फ्रेश बात कर रहा है? नहीं, कैसे? कॉपी। कैसे? कॉपी। मतलब मेरे जीवन में जो सक्सेस आने वाला है मेरे से, लेकिन तुम पता है किन को पता है? सीधा बात है, और तुम बोल रहे हो हमको परमेश्वर बात कर रहा है, किसी से प्रभु बात नहीं कर रहा है, अकेला सोया था सो रहे, कौन कौन सोया था? अकेले वाचा के संदूक के पास मंदिर के अंदर अकेला सोया था सामुएल, और परमेश्वर उसे इंडिविजुअल बात करने के लिए गया, और जो बात किया वो किसी को समझ में नहीं आया, केवल उसी को समझ में आया। अगर आज तू परमेश्वर के आत्मा में आना चाहता है, यदि आज तू चाहता है कि गॉड डायरेक्ट मुझे बात करे, तो सबसे पहले तेरे को अपने आप को सामुएल के जैसा तैयार करके वाचा के संदूक के पास सुना पड़ेगा। हालेलुया। किसके पास में? समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब अंत के दिन में परमेश्वर का आत्मा आना चाहता है, क्या चाहता है? कौन से दिन में? कब है अंत का दिन? कब है? कोई तो पीछे बोल रहा चल रहा है, अंत का दिन अभी है, तुमको तुमको मालूम ही नहीं तुम कब मरोगे रे, हैं? ये सोच रहे अंत का दिन, मतलब इनको लग रहा है वो देश में झगड़ा हो गया, वो देश में लड़ाई हो गया, अंत का दिन है, आज से हो गया लगना बंद, अमेरिका में झगड़ा होना चालू हो गया, आज से भाजा खाना बंद है, जर्मनी में युद्ध चालू हो गया, आज से इतवार को चर्च गोल मारना बंद, मतलब इनके लिए अंत का दिन हो, एक देश दूसरा देश पर ठोकरा ही के लिए अंत का दिन है, तेरा अंत का दिन आज है। कब है? आज है। कल जैसा कोई काम नहीं होता, कल एक काया है, कल एक मोमाया है, कल जैसा कुछ नहीं होता, सुन लो जो अंत का दिन है कब है? आज है। कल जैसा कोई काम नहीं है, यहाँ पर बाइबिल का परमेश्वर कहता है अंत के दिन में मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर दे दूंगा, तुम्हारे जवान तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, और 100% यीशु मसीह नासरी के नाम में सत्य होगा। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे जीवन के अंदर में किसी भी प्रकार का चुनौती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, पादरी के पास डायरेक्ट परमेश्वर का पहले कहां जाने की जरूरत है? परमेश्वर के पास में। समझ रहे हैं? एक माता जी हमारे कलीसिया के अंदर में चर्च आए, बड़ा बड़ा अच्छा बात बता रहा हूँ, काम का बात बता रहा हूँ, सुनो। एक माता जी हमारे चर्च के अंदर में आए, और आने के बाद में 2 साल गुजर गया, और मैं दिल से एक बात बता रहा हूँ, हर संडे बराबर 10 मान से, हर संडे किसी का दसवांश रहे चाहे ना रहे, वो माता जी का प्रॉपर उनका टाइथ उनका दसवांश रहता था। 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया, एक दिन सुसमाचार प्रचार करने के दौरान बड़े हैं मुझे से सोरी है, तो 3 बार देखा मेरा 5 मिनट रेस्ट के लिए दे देते, उम्र दराज लोग हैं, हमारा हड्डी तो कमजोर नहीं, क्या पता कमजोर हड्डी वाले नींद आता होगा भैया, ना एक्सपीरियंस तो नहीं था, मैं बोला 5 मिनट सोने देते, 6वां मिनट पास में मर गया, ओए तेरा बाप का चर्च है क्या यहाँ पर जो सो रही है, सोने था तो घर में सोती ना, यहाँ क्यों सोने के लिए आई है? ऐसा घूर घूर के देखी मेरे को, कुछ नहीं बोल पाई। मैंने बोला भला होता जागती तो अनंत जीवन पाती, तो अगले संडे से चर्च आना बंद कर दी, कोई प्रॉब्लम? दूसरे संडे से पति चर्च आना बंद कर दिया, तीसरे संडे से फैमिली चर्च आना बंद कर दिया, 4th संडे को खुशखबरी मिला, क्या मिला? पास्टर भी है ना, झूठा पास्टर आए पैसा लेके प्रार्थना कर, बड़ा गुड न्यूज। 5वां संडे को और मिला मेरे को बड़ा गुड न्यूज, ये लोगों को भरमाता है, एकदम आलतू फालतू टाइप का पास्टर है। 5 संडे में चुपचाप था, 6वां संडे में बोला सब चीज तो पता, एक चीज नहीं बोल सकती थी क्या? मैं चर्च में सॉरी थी इसलिए मेरे को बुलाया बोलते। समझ में आया? मतलब तुम्हारा काम बना तो पार्टनर है, चरण सोंदर एक नंबर पास्टर है, तुम्हारा काम नहीं बना तो दुनिया का सबसे बेकार पादरी ही है, कहीं नहीं यही हो रहा ईसाई लोग, ये चर्च से वो चर्च कूद रहे। सुनो मैं मजा का बात बता रहा हूँ, काम का बात बता रहा हूँ। अब मैं आकर के प्रार्थना करने लगा, मैं बोला प्रभु यदि मैं उस महिला के साथ में किसी प्रकार का बदसलूकी किया है खुदावन, तो मुझे आप माफ कर दीजिए परमपिता परमेश्वर, पर प्रभु यदि आपका आत्मा सत्य का आत्मा है पिता, तो उसके अंदर में प्रभु गलती का पश्चाताप होने के लिए आप सहायता करो प्रभु। 1 साल के बाद में मेरे पास में कॉल आता है, बोले बाबू वो लेडी जो यहाँ पर आकर के ईसाई करती थी, जो तुझे बदनाम करती थी, उसको लगवा मार दिया है बोलते हैं। बोला रहे यार आता बेचारी सदैसे नहीं होगा, बड़ा दुख
बोले इधर प्रार्थना करने लगे, उधर प्रार्थना करने लगे, उधर प्रार्थना करने लगे, चंगाई नहीं हो रहा है। कारण क्या है? वो बीमार नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? वो बीमार नहीं है, लकवा नहीं मारा है। उसको शैतान पकड़ के रखा प्रभु के दासों के विरुद्ध में। बोल कौन हो रहे तुम? दाऊद के अंदर किसका आत्मा उतरा? दाऊद के अंदर किसका आत्मा उतरा? परमेश्वर का आत्मा उतरा। शाऊल के अंदर किसका आत्मा उतरा? शाऊल प्रभु के अगेंस्ट गया, तभी तो दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। और शाऊल को मारने के लिए दाऊद को जब बोला गया तो दाऊद ने क्या बोला? मैं कौन हूँ परमेश्वर का अभिषेक पर तलवार चलाऊं? माइंड योर लैंग्वेज एवरीवन। कौन है तुम लोग? है मेरा मेरे घर में आकर के मेरी मम्मी को डिलीवरी करते टाइम तुम लोग सहायता किए मेरे को निकलने के लिए? नहीं किए। मेरा पिताजी जब मेरे को स्कूल में पढ़ाया तुम लोग फीस भरे? नहीं भरे। जब मैं बाइबिल को पढ़ रहा था, जब खुदावन की संगति में था, जब उपवास के साथ अतरी सुखा करके प्रार्थना करने लगा, तब तुम सहायता नहीं किए। आज तुम लोग कौन हो रहे? मेरा तारीफ कर रहे हो? कौन है तुम लोग? कौन तुम लोग को कौन हो रहा तारीफ करने के? बोला है खुद को कपड़ा सिलने नहीं आता, बड़े टेंट का सिलने के लिए। आज एक बात को, एक चीज को कान खोल करके सुन लो। आज हमारे जीवन के अंदर में प्रार्थना करने के बाद में भी श्राप क्यों बना हुआ है? कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी अभिषिक्त के विरुद्ध में बात किया। इस चीज को आज रिमाइंड करने का जरूरत है चर्च। बड़े साफ तरीके से आज मैं आप लोगों को कहता हूँ, यहाँ पर दाऊद जैसे अभिषिक्त राजा, उसने बोला मैं कौन हूँ? दाऊद ने बोला मैं कौन हूँ? साउथ के ऊपर तलवार चला। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाथ उठा के बता सकते हैं? फिर से ऐसा उठाना चालू करें, नहीं बुलाना मैं नहीं आऊ दूसरा बार। बड़ा गुस्सा हो जाऊंगी, नहीं बुलाएंगे। बहुत मीटिंग है मेरे पास, मेरा फेसबुक पेज में जाके देखो, रोज एक पोस्ट कर। हाथ उठाओ अच्छे से। महान बड़े बाबा चौथी पास है, लेकिन हवाई जहाज में घुमाता है मेरा परमेश्वर। ऐसा नहीं कि आज एक गली में बुला लिए, बहुत बड़ा पादरी मेरे को बना दिया, तुम लोग प्रमोशन करोगे। सुन लो, काम का बात बता रहा हूँ। आज हमारे लाइफ के अंदर में प्रॉब्लम क्यों है पता है? सबसे पहला पवित्र आत्मा नहीं है सौ का लोटे प्रार्थना कराने के लिए। सबसे बड़ी गलती क्या है? पवित्र आत्मा नहीं है सौ का नोट, सौ का नोट, तेल, पानी, रूमाल, चर्च में मेंबरशिप था, मंडली शामिल, बपतिस्मा, जीवन के पुस्तक में नाम। बताओ ताली एक बार मेरे को देखो। अभी जरूरत नहीं है ये पादरी के पास जाके हाथ रखाएंगे, वो पादरी के पास जाके हाथ रखाएंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे। अरे भैया, सबसे पहले खुदा के पास जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा देने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। और कौन सा आत्मा देगा बाइबिल का परमेश्वर कहता है? आइए मेरे साथ आप एक वचन निकाल लीजिए। यशाया उसका 11वां अध्याय, यशाया चैप्टर 11 वर्स 2, उसका दूसरा वचन पढ़ दीजिए। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरे रहेगा। अमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ खुदा का कलाम क्या कहता है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, क्या का आत्मा? अच्छा, तुम लोगों को जो मिलेगा वो वाला नॉर्मली स्पिरिट नहीं मिलने वाला, तुम लोगों को जो आत्मा मिलेगा, आप लोगों को जो आत्मा मिलेगा वो बुद्धि का आत्मा मिलेगा। कौन सा आत्मा? बुद्धि का। कौन सा आत्मा? बुद्धि का। बाइबल के अनुसार सबसे पहला पाप किसने किया? तेरा बात भी सही, पर मनुष्य की दृष्टि में बोलो किसने किया? ये सफेद कपड़ा वाले ज्यादा बोलो, तुम लोग ज्यादा गा रहे थे यहाँ पर, अपने आप को बहुत बता रहे थे। बोलो है क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बुद्धि के साथ में काम नहीं किया। समझ में आया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में उसको बनाया। किसमें? किसको बनाया? और आदम से किसको बनाया? यही पर मिस्टेक हो गया हवा से, यही पर मिस्टेक हो गया। वो ये चीज जान करके भी अनजान होने की मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई गई हूँ, पर उसने क्या नहीं लगाया? बुद्धि नहीं लगाया। और शैतान ने क्या लगाया? बुद्धि लगाया। ये उसका 28 अध्याय को जो आप पढ़ेंगे, मत निकालो, सुन लो।
आगे क्या है तुम्हें जवाब वहां पर जाएंगे, लिखा हुआ है शैतान सर्वांग सुंदर और बुद्धि से भरपूर है। कैसे? सर्वांग सुंदर और बुद्धि से भरपूर है। आज आप लोगों को परमेश्वर का आत्मा चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? जिसके पास वो भी हाथ उठा दो भैया। चाहिए ना नहीं चाहिए? कितने लोगों को चंगा ही चाहिए? हम लोग मास्टर को भी बिगाड़ रहे हैं और बच्चों को दूसरा थोड़ी बिगाड़े, उसी समाज को हम भी लोग बिगाड़े। हे प्रभु इसको चंगा कर, हे प्रभु इसको बच्चा दे, हे प्रभु लोग भी दे प्रमोशन दे, आदत कर लिए हम तो। हम बोलते प्रभु इसको अनंत जीवन दे तो होता। हाँ सुनो, परमेश्वर का आत्मा क्या का आत्मा है? बुद्धि का आत्मा है। क्या का आत्मा है? बुद्धि से क्या बनता है? घर बनता है। बुद्धि से क्या बनता है? बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, मूढ़ स्त्री घर को ढा देती है। बुद्धि से क्या बनता है? बुद्धि से क्या बनता है? परमेश्वर का आत्मा क्या का आत्मा है? बुद्धि का आत्मा है। हवा क्यों भरमाई गई? क्योंकि उसके पास में वो बुद्धि नहीं था। और सुलेमान जब ऊंचे पर जाकर के परमेश्वर यहोवा के पास में जाकर के ऊंचे पर चढ़ावा चढ़ाया तो सुलेमान को सबसे पहले क्या मिला सर? क्या मिला? बुद्धि मिला। सीधा बात है, क्या मिला? बुद्धि मिला। हवा क्यों भरमाई गई? बुद्धि नहीं था। आज पास्टर के विरुद्ध में क्यों बोल रहे हैं? बुद्धि नहीं है। एक चंद को छोड़ के दूसरा चंद क्यों जा रहे हैं? बुद्धि नहीं है। वचन को छोड़ करके तेल को लेके घूम रहे हैं, क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। पवित्र आत्मा को छोड़ करके अपोस्टल और भविष्यवक्ता के पीछे घूम रहे हैं, क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा क्या का आत्मा है? मीटिंग कराओ तो बोलना पड़ेगा, क्या का आत्मा है? बुद्धि का आत्मा। और जिसके पास बुद्धि है बाइबल का परमेश्वर कहता है सबसे पहले अपने घर को बनाता है, बाजू वाले का बुराई करना छोड़ करके अपने आप को सबसे पहले ध्यान देता है। समझ में आया? आया ना नहीं आया? दूसरे का बारे में देखने से अच्छा खुद को देख लो, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप प्रभु के समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या का आत्मा है? बुद्धि का आत्मा है। और बुद्धि से क्या बनता है? बुद्धि से क्या बनता है? घर बनता है। और बाइबिल का परमेश्वर कहता है परमेश्वर का आत्मा दूसरा आत्मा क्या है? समझ का आत्मा। क्या का आत्मा? समझ का। इसराइल का सबसे पहला राजा कौन था? एक एक करोड़ रुपया दोगे तो तुम लोग को हम लोग बाइबिल कॉलेज में एडमिशन दे। एक क्षण कोई तो पीछे से बोले धन्यवाद की प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे, जितना आपके पास है डबल दे। इसराइल का पहला राजा कौन? साउल। और साउल राजा कैसे बना? गदा ढूंढने गया। क्या ढूंढने गया? क्या ढूंढने गया? हमारे चर्च में भी बहुत सारे हैं क्या? आज टेंट के नीचे बहुत सारे हैं क्या? तू है रे बोलता है मार के लाएगा मेरे। अभी परमेश्वर यहोवा ने देखा ये लंबा चौड़ा विराट विशाल बड़िया व्यक्ति है, ये गदा ढूंढने के लिए गया। परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया राजा बनने के लिए और शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और शाऊल किसी को भी जाकर लड़ता था, जीत जाता था। और एक बार परमेश्वर बोला जाकर फलाने नगर के अंदर घुस जा और जाने बाद वहां के सारे चीजों को तबाह कर। और शाऊल क्या किया? कुछ अच्छे तंदुरुस्त बैलों को लेकर के आया, नहीं मारा। क्या किया? नहीं माना। परमेश्वर ने शमूएल के पास गया, बोला शमूएल तू कैसे उसका अभिषेक कर दिया, वो कैसे राजा बन गया? वो तो मेरा भाती नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है, मेरे नजर में राजा नहीं है, मैं दूसरा राजा बनाऊंगा। समझ में आया? बात नहीं मानने से परमेश्वर दूसरा राजा बनाएगा। बात नहीं मानने से परमेश्वर, बात नहीं मानने से परमेश्वर दूसरा राजा बनाएगा। तो तुम लोग चर्च नहीं आने से भी हमारा चर्च बढ़ेगा, हमको मालूम है, इसलिए हम लोग यूट्यूब में भी चैनल बनाए। तुम लोग नहीं आने से हम लोग बाहर कल घूमने से। हाँ पास्टर साहब आमीन बोले, मतलब विश्वास ही के पीछे कबड्डी खेलने का कोई दिमाग नहीं है मेरा। नौकरी पैसा छोड़ करके सेवकाई कर रहे हैं, मतलब पैसा कमाने का दिमाग बिल्कुल नहीं है। सौ बात का एक बात, जिसको जो बोलना है बोले, मैं पैसा ले। अभी बता रहा हूँ, लोग बुलाए है ना, कोई बैनर पोस्टर नहीं, बैच सदा प्रेयर ग्रुप, मैं पैसा पैसा डिमांड करके नहीं आया हूँ, मैं कुछ नहीं मांगा हूँ, पहले बता रहा हूँ। बाद में बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए विजय ना पैसा लेता है, इसलिए कार में घूमता है। कैसा कैसा बात करते हैं, कोई मोटर मैकेनिक है, कार में घूम रहा हूँ, पैसा लेता है, मजाक देता। अच्छा सुनो, अब काम का बात बता रहा हूँ। परमेश्वर यहोवा ने शाऊल योग्य नहीं था, लेकिन क्या बनाया? राजा बनाया। हालेलुया। परमेश्वर जब जब शाऊल के साथ था तब तब शाऊल युद्ध को जीतता था। परमेश्वर यहोवा ने शाऊल को बोला नगर में जाकर
लेकर के स्वर्ग को बर्बाद कर दे। उसने कुछ को बर्बाद किया, कुछ को बचाया। अब परमेश्वर के नजर के सामने में साउल राजा नहीं है, उसने अपना समझ को सही जगह में नहीं लगाया। कई बार हम लोग ऐसा लगता है, पता है मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई व्यक्ति हूँ, मैं अपने चर्च का सबसे ज्यादा दान दशमांश देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं नहीं जाने से इन लोगों का क्या होगा देखते हैं। प्रभु ने बोला तू योग्य है राजा बनने का, टाइम रहते रहते समझ नहीं लगाएगा तो तेरे देखते देखते परमेश्वर दूसरा राजा खड़ा कर। तू क्या सोचते हो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ? अरे सब आए और बाकी सारे लोग जिसको तुम नहीं देख रहे हो वो तो जरा कब्रिस्तान में मिलेंगे। तुमसे पहले बुद्धिमान आए और क्या पता आएंगे, ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? हाँ, कचरा कब्रिस्तान में, समझे? तो यदि तू आज खुदा का आज्ञा नहीं मानेगा, यदि तू आज परमेश्वर के आत्मा के प्रति वफादार नहीं होगा, तू आज बुद्धिमानी के साथ समझ नहीं लगाएगा तो तेरे रहते रहते परमेश्वर दूसरा राजा को खड़ा कर देगा, दूसरा आराधक को खड़ा कर देगा, दूसरा पादरी को खड़ा कर देगा, तेरे जमीन को दूसरे को देगा, तेरे अनुग्रह को दूसरे को देगा, तेरे चमत्कार को दूसरे को देगा। समझ में आया? परमेश्वर का प्रिय स्वर्गदूत का नाम बताओ। लूसिफर प्रभु के विरुद्ध गया, उसका ताकत को, उसका शक्ति को दूसरे स्वर्गदूतों को बांटा गया। आज ये बात को समझने की जरूरत है कलीसिया। हालेलुया। तो अंत के दिन में हम सब के ऊपर ऐसे करो, अंत के दिन हम सब के ऊपर परमेश्वर का हाथ आएगा। सब लोग करो, जिसका हाथ है कर लो, हाथ बोलो। अंत के दिन में परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर में आएगा और मैं विश्वास करता हूँ अंत का दिन अभी है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या का आत्मा है? बुद्धि का आत्मा। और बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री घर को ढा देती है। परमेश्वर का आत्मा समझ का आत्मा है। किसका आत्मा है? हाँ, साउल के पास समझ का आत्मा नहीं आया, इसलिए उसका मुकुट और राज छीन लिया गया। हालेलुया। और यहाँ पर तीसरा क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का आत्मा युक्ति का आत्मा है। किसका आत्मा है? युक्ति का। किसका आत्मा है? युक्ति का। युक्ति का। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का युक्ति है उसको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं गिरा सकता। पता है सिमसोन के ऊपर युक्ति का आत्मा था। किसका आत्मा था? युक्ति का। और वो भ्रम को जान नहीं पाए सिमसोन। एक एक दीदी आती है, दीदी आने के बाद बोलती है ऐसे तो भरमार ऐसे भरमाए जा रहे हैं। मैं देखता हूँ हमारे चर्च के अंदर, तो मैं बोल रहा हूँ सारी माताएं बहने माफ कर देना, झगड़ा करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हर्षिता दीदी से ले लेना, वहां पर कर ना। अभी सुनो, अभी क्या हो रहा है, हम लोग चर्च आने के पहले वचन का तैयारी है नहीं मालूम है, लेकिन बराबर लिपर होते हैं। मैं एक लड़की व्यक्ति पूछा, बेटा 11:30 बजे आ गई चर्च का, 9 बजे अब मेरा गाड़ी देख के जोर जोर से दौड़ रही। अभी हमारे अंदर युक्ति नहीं है, इसलिए कोई और चीज हमारे अंदर घुस गया है। आपके लाइफ को दूसरी पर बर्बाद अब नहीं कर रहा है, सच बता रहा हूँ। आपके जीवन को दूसरी पर बर्बाद नहीं कर रहा है। आपके जीवन को कौन बर्बाद कर रहा है? पूछो, कौन बर्बाद कर रहा है? कर्जा। कौन बर्बाद कर रहा है? ब्याज। कौन बर्बाद कर रहा है? कौन बर्बाद कर रहा है? शराब। कौन बर्बाद कर रहा है? कौन बर्बाद कर रहा है? पेंशन। कौन बर्बाद कर रहा है? कौन बर्बाद कर रहा है? अभियंता। कौन बर्बाद कर रहा है? इतना चीज आपके जीवन के अंदर घुस गया और समझ में नहीं आता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? शैतान आपके लाइफ के अंदर में इतने चालाकी के साथ एंटर कर गया और जान नहीं पाए, और एक युक्ति सिमसन को नहीं गिरा पाया। पूरे देश के लोग, राज्य के लोग सिमसन को बर्बाद नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने एक युक्ति लिया और लड़की के अंदर में, दीदी के अंदर में डाल करके बोले तू तो बड़ा सुंदर दिखता है, और पहला बार नहीं, दूसरा बार नहीं, तीसरा बार नहीं, चौथा बार नहीं, और अंत में वो दीदी को उसने क्या कर दिया, अपने अभिषेक का राज जो बाल में था बता दिया। समझ में आया? हमारे साथ में ऐसे हो रहा है। पता है प्रभु मैं खूब गरीब है, पर घर में बहुत कर्जा है प्रभु। पवित्र आत्मा तो नहीं है पास्टर साहब,
तो या तो पवित्र आत्मा होगा या तो शैतान का आत्मा होगा, बराबर बोल रहा हूँ। बीच का कोई आत्मा तुम लोग जानते हो सुनकर? मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरे को तो नहीं बताया। ये आपके घर में क्या है सुनो, अभी पवित्र आत्मा जिसके अंदर है उसके अंदर कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है बाबू? अच्छा वो तो ड्रम बजा रहा था, अदुष्ट आत्मा है। अब तो आप लोग क्या बोले प्रभु, हम लोग किराए के घर में रहते हैं प्रभु। शैतान सुन लिया, क्या कर लिया? सुन लिया प्रभु। हम लोग बहुत कर्जा में पड़ गए प्रभु, कौन सुन लिया? शैतान। हम लोग बहुत श्राप में हो गए, कौन सुन लिया? शैतान। हम लोग लागा उधारी में पड़ गए, कौन सुन लिया? शैतान। अब उसको बार बार वही चीज को रिपीट कर रहा है, बार बार वही चीज को रिपीट कर रहा है। वो देख लिया कि तेरा अभिषेक किसमें है? बाल में। वो देख लिया तेरा अभिषेक किसमें है? वो देख लिया कि तेरा गरीबी के अंदर तेरी कमजोरी है, बार बार गरीबी बुलाएगा। वो देख लिया तेरी कमजोरी बेटा बेटी के अंदर में, बार बार बीमार पड़ेगा। शैतान की युक्तियों को समझो, शैतान की युक्तियों को समझो। आप में से बहुत सारे लोग चीज बोल रहे होंगे तो भैया परमेश्वर को नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? परमेश्वर को बताने के लिए परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया। शैतान भी देख रहा है कौन सा बोल रहा है। कुमार बारा का भाषा का नया मुद्दा का शांति नगर आकाश नगर पहले तो कभी नहीं सुना, समझ में आया? अभी परमेश्वर का आत्मा क्या का आत्मा है? बुद्धि का आत्मा। बुद्धि रहता तो हवा नहीं गिराई जाती, समझ रहता तो साउल नहीं गिराया जाता, युक्ति में बना रहता तो सिमसोन नहीं गिराया जाता। और बाइबिल का परमेश्वर कहता है परमेश्वर का आत्मा पराक्रम का आत्मा है। क्या का आत्मा है? स्पिरिट ऑफ नॉलेज। क्या का आत्मा? पराक्रम का आत्मा, जिसके अंदर सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सब कुछ कूट कूट के। पराक्रम का आत्मा है। और पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा हुआ है, हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ए पराक्रम का आत्मा है, इस आत्मा के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। बोलो सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल। सब लोग बोलो सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल। सब लोग बोलो सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल। पराक्रम की आत्मा के अंदर सबसे पहला बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, विश्वास का आत्मा, चंगाई का आत्मा, चमत्कार का आत्मा, भविष्यवाणी का आत्मा, अन्य भाषा का आत्मा, आत्माओं का पराक्रम। वो पराक्रम की आत्मा के अंदर सब कुछ भरा हुआ, समझ में आया? तो आज ऐसे कचलार पास्टर विजय नाथ पास प्रार्थना कराने जाएंगे कि सबसे पहले घुटना टेक कर खुदावन के पास जाएंगे। आए तो बहुत होता सिद्धि, सच बता रहा हूँ। पहले 1,00,000 रुपया मांगो, स्वर्गानंद जीवन का जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है? पार्टी ने मेरा पेट में गोला है, पहले कैलकुलेशन लगा दिया, ब्लड टेस्ट का इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, कम से कम बंदा अस्पताल जाएगा 25,000 रुपए तो लेगा।50,000 पहले ले मालूम है, गोला तो जाएगा। किससे जा रहा है ये चमत्कार? किसके नाम में हो रहा है? किसके नाम में हो रहा है? यीशु के नाम में हो रहा है। और यीशु मसीह का नाम तुम लोग ले नहीं सकते क्या? ले सकते हैं या नहीं सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ले नहीं रहे हैं। अब हम लोग वापिस अपने टॉपिक के अंदर में आते हैं। अंत के दिन में परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर क्या होगा? उन्हें ले जाएगा परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा। बोले बुद्धि का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा। पराक्रम का मतलब उस आत्मा के अंदर सारा वरदान, सारा ज्ञान, सारा सामर्थ छुपा हुआ है। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, आगे कहता है यहोवा का आत्मा ज्ञान का आत्मा। क्या का आत्मा? ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का आत्मा। परमेश्वर जानते थे साउल का जैसा डूब जाएगा सुलेमान, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर वाले सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान से। आपको एक बात बता दूं कलीसिया, मेरे अजीजों, मेरे बड़े, हमारे प्रभु के जनों, यहाँ पर जो आप सभी बैठे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यदि आपका परिवार, आपका जीवन में, यदि आप किसी भी चीजों में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आज आपको परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान का जरूरत है। हालेलुया। क्या जरूरत है? बुद्धि और ज्ञान का। और परमेश्वर वाले देखा जैसे साउल गिरा दिया गया वैसा सुलेमान भी गिर जाएगा, इसलिए परमेश्वर वाले उनको ज्ञान से भरा। क्या से भरा? ज्ञान से। हालेलुया। हालेलुया। और आगे यहाँ पर खुदा का पाक कलाम कहता है
यहोवा का आत्मा, भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर ठहरा रहेगा? बोलो मुझ पर, मुझ पर। बोलो मुझ पर, मुझ पर। परमेश्वर का आत्मा, भय का आत्मा, परमेश्वर। बोलो परमेश्वर का आत्मा, भय का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, भय का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, भय का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, भय का आत्मा है। आज नहीं है भय, आज भय नहीं है। किसका भय है मैं सच बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो, खत्म करने वाला हूँ। अच्छा है मेरा गाड़ी भी नहीं चल रहा, चार्जिंग नहीं क्या, बोलिए कितना कितना टाइम हुआ मालूम नहीं, सुन के क्या होगा। ज्यादा ज्यादा अच्छा पास्टर था यार, बढ़िया प्रचार किया, बोलोगे ज्यादा ज्यादा बड़ा बेकार आदमी बुला दे तुम लोग, अगली बार मत बुला लोग, चार में बुला ना, ऐसे बोलो बस, और कुछ नहीं होने वाला है। अभी अभी मैं बता रहा हूँ, सुनो, भय का आत्मा। आज हमारे अंदर में भय नहीं है परमेश्वर के प्रति। किसके प्रति भय है? गरीबी के प्रति, उदारी के प्रति, कर्ज के प्रति, समस्या के प्रति। एक विश्वासी पादरी के पास गया, वो पास्टर वहां पर खड़ा है, एक विश्वासी वहां पर गया, पादर जी मैं प्रार्थना कर लूंगा। मैं बोला या तो बोल रहे या तो बता दो, दोनों में कोई काम कर ले, और भी काम है। मेरा पति दारू के मारता है, शैतान काम कर रहा है। मेरा बेटा प्राइवेट नौकरी करता है, चाची भी आता है, शैतान काम कर रहा है। मेरे बाप आपस में जाकर की तल्लत पंचार करते हैं, शैतान काम कर रहा है। हमारा घर में जाना चाहते, गाड़ी लेना चाहते, नहीं ले पाते, शैतान काम कर रहा है। तो भाई बोला अरे तेरे घर में शैतान काम कर रहा है, तो प्रभु कब काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? बाप रे, बड़ा समझदार बन गए, ये 10 मिनट में ज्ञानी बन गए हम लोग। कौन काम कर रहा है सच में? कौन काम कर रहा है? शैतान। खुदावन काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका आत्मा नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं कर रहा है। खुदावन काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका आत्मा नहीं है, इसलिए खुदावन काम नहीं कर रहा है। तो अब ये बात हमको समझने की जरूरत है, खुदावन काम कैसे करेगा? हालेलुया। क्या आप चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो? अपने हाथ को उठाकर हिला के बताएं, क्या आप चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो? क्या आप चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर की महासामर्थ्य को आप देखे? हालेलुया। क्या करे? बोलो क्या करे? पवित्र आत्मा मांगे। क्या करे? क्या करे? कैसे मिलेगा? अभी निकाल दे, चलो प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 38वां वचन निकाले। पत्रस ने कलीसिया को संबोधित करते हुए कहा, मन को फिराओ और आप लोगों में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो आप पवित्र आत्मा का दान को पाओगे। एक सिंपल सा बात है, कोई तेल नहीं, कोई पानी नहीं, कोई रुमाल नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई ढकोल पंती नहीं, सीधा एक बात है, यदि आज हम अपने जीवन को अपने परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, सीधा परमेश्वर का आत्मा तक पवित्र आत्मा को मांगे। और पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन के अंदर कैसे काम करेगा? मन को फिरा करके। किसको फिरा करके? मन को फिरा करके। आप में से बहुत सारे लोग इधर होने के आदर्श ज्यादा इधर नहीं है, जैसा ये बेटा किसकी बेटी है, तो प्रभु का आशीष देते हैं, सुंदर बेटी मेरे को भी बेचारे का पूरा ध्यान उसका फूल में। बहुत सारे वो का सुंदर पीला कार घर पीला सफल दिया जाए, उसका मन वहां पर है। ये पत्रस भी बहुत समझदार थे बाबा, पत्रस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रस बहुत समझदार थे, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। क्या होगा? जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। और पत्रस पहले बोले, अगर तेरे को पवित्र आत्मा चाहिए तो तेरे को मन का ही दरकार नहीं है, मन को हटा पहले। क्या बोले? मन को फिरा। क्या कर? मन को पीछे कर, फिरा दे उसको, तब तू पवित्र आत्मा का वरदान को काम कर। सच बता रहा हूँ, इधर उधर की चीजों में ध्यान देने का जरूरत नहीं। हम लोग पास्टर और गुरु और लेवी याजक का चक्कर काटते रहेंगे, बड़ा लेट हो जाएगा। आज एक काम करना है, हमारा मन को, हमारा कंसंट्रेशन को, हमारा फोकस को जिंदा परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा। किसके तरफ? जिंदा परमेश्वर की तरफ। किसके तरफ लगाना पड़ेगा? जिंदा परमेश्वर की तरफ। और आप में से कई सारे लोग मन को लगा भी लिए, क्या कर रही है? मन को कई सारे लोग लगा भी लिए,
सच बता रहा हूँ, प्रार्थना में जीवन जीना स्टार्ट कर दिए, उपवास में जीवन जीना स्टार्ट कर दिए, और जिस दिन संडे का दिन चर्च आना उस दिन 10 बजे का टाइम है 11:30 बजे। ये भी गड़बड़ हो गया। पतरस ने लोगों से कहा मन को फिराओ और तुम में से हर एक लोग यीशु मसीह के नाम में अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान को पाओगे। एक चाबी है कलीसिया, केवल एक ट्रिक। किसी ने मेरा धर्म परिवर्तन नहीं किया, किसी ने लालच मुझे नहीं दिया, किसी ने भरमा करके मुझे पास्टर नहीं बनाया, किसी ने जबरदस्ती मुझे प्रभु के पास में नहीं लाया। मेरे मन के अंदर में पवित्र आत्मा ने इस बात को डाला कि मैं परमेश्वर के राज में अपने आप को लेकर के जाऊं, और परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल किया। बताना चाहता हूँ कलीसिया, बड़े सावधानी के साथ सुनिए, जब तक आप व्यक्तिगत तरीके से यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक शैतान को नहीं जीत सकते। आज युद्ध जो है वो अनंत जीवन का है, और अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए युद्ध को जीतना पड़ेगा। किससे? शैतान से। और आज शैतान फैशन के रूप में, पैसे के रूप में, लालच के रूप में, लोभ के रूप में हमारे जीवन के अंदर घुस गया है। आज व्यक्तिगत रीति से हमको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने का जरूरत है। हालेलुया। भाई हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाए।